हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द इजी आर्ट क्रिएशन। आज मैं कैंडल होल्डर बनाने जा रही हूँ, जिसके लिए मैंने ऐसे गत्ते का यूज़ किया है। ये जूते का गत्ता है, आपके पास भी जो भी गत्ता हो आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इस गत्ते के मदद से आज कैंडल होल्डर बनाऊँगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं इस गत्ते को पूरा खोल दूँगी, मैं कैंची के मदद से इसको सब काट के अलग कर दूँगी। इसके सारे पार्ट्स को मैं अलग कर दूँगी ताकि इसको बनाने में ज़्यादा आसानी होगी। मैंने इसको पूरा कट कर दिया है। अब मैं एक एक पार्ट को इसको अलग कर रही हूँ। तो मोटा है, इसके वजह से ये दिक्कत हो रहा था। तो मैंने इसको कट कर लिया है। अब मैं इससे सर्कल बनाऊंगी। कंपास की मदद से मैं इसको सर्कल बना रही हूँ। मैंने इतने बड़े सर्कल बनाए हैं। अब मैं इसको सीजर की मदद से इसको कट कर लूंगी। तो मैंने इसे कट कर लिया है। अब ऐसे ही मैं एक और कट करूंगी। तो मैंने इसे भी कट कर लिया है। इस तरह के मैंने दो कट कर लिए। अब इसे इसके ऊपर पेस्ट कर दूंगी। तो मैंने इसे पेस्ट कर दिया है। ये काफी मोटा हो गया है। अब मैं थोड़ा छोटा सर्कल बनाऊंगी, एकदम वैसे ही। मैं इसे कट कर दूंगी। तो मैंने इसे कट कर लिया है। मैं ऐसे ही अब तीन और काटूंगी। तो मैंने इसको कट कर दिया है। अब मैं तीनों को एक के ऊपर एक पेस्ट कर दूंगी। मैंने ऐसे फेविकॉल लगा दिया है। अब इसके ऊपर मैं इसे पेस्ट कर दूंगी। आप फेविकॉल भी यूज कर सकते हैं या फिर ग्लू गम भी यूज कर सकते हैं। आपको जो अच्छा लगे आप यूज कर सकते हैं। ऐसे ही मैं तीसरे को भी चिपका दूंगी। तो हमारा ये बन गया है। ये इससे इतना छोटा है, आप ऐसे ही बनाइएगा। अब चलते हैं चांद बनाने। आधा चांद हमें बनाना है। मैंने इतना मोटा कार्डबोर्ड यूज किया है। तो मैं इस पे चांद बनाऊंगी। मैं कुछ इस तरह से चांद बना रही हूँ। मैंने कुछ इस तरह से चांद बना लिया है। अब मैं इसे कट करूंगी। कट करने के लिए मैं इसका यूज कर रही हूँ। इससे ये गत्ता अच्छे से आसानी से कट जाएगा। तो मैं इससे इसको काटूंगी। एकदम ऐसे ही शेप में आधे चांद में इसको निकालना है। काफी मोटा गत्ता है ये। मैंने इसे कट कर दिया है चांद की तरह। तो मैं अब इसके लिए यहाँ पे व्हाइट और रेड ऊन यूज करूंगी। पहले मैं रेड ऊन से इसको पूरा कवर करूंगी चांद को। इसके लिए मैं ग्लू गन का यूज कर रही हूँ। ग्लू गन मेरा गर्म हो गया है। अब मैं इसे इस पर लगाऊंगी। ऊन ग्लू गन से ही चिपकता है। अब मैं इस पर इसको लगा के पूरा कवर करूंगी। ऐसे ही मैं पूरा इसको कवर कर दूंगी।
फाइनली मैं इसको पूरा कर दी हूँ, इसके ऊपर मैंने ऊन से पूरा कवर कर दिया है। अब मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगी ग्लूगन की मदद से। तो ये पूरा हो गया है, अब बारी इसकी आती है। तो मैं इसके लिए वाइट ऊन का यूज़ करूँगी। वाइट ऊन की मदद से इसको पूरा मैं कवर कर दूंगी, ऐसे ही ऐसे मैं पूरा इसको कवर करती जाऊंगी। तो मैंने इसको पूरा कवर कर दिया है। अब मैं इस रेड से इसकी आउटलाइन लगाऊंगी ग्लू गन की मदद से। मैं इसको पूरा आउटलाइन लगाऊंगी ऐसे। तो मैंने इसके ऊपर इसको लगा दिया है एकदम ऐसे ही। अब मैं इसको यूज करूंगी और इसके ऊपर मैं रेड से करूंगी ऐसे। मैं इसको रेड से पूरा कवर करूंगी। व्हाइट की तरह इसको भी रेड से कवर कर देना है। तो मैंने इसको पूरा बना दिया है। अब मैं व्हाइट से इसके आउटलाइन लगाऊंगी ऐसे। इसे मैं ग्लू गन से चिपकाऊंगी एकदम ऐसे ही, पूरा जैसे मैंने इसको चिपकाया है वैसे ही मैं इसको चिपकाऊंगी। मैंने इसको पूरा रेडी कर दिया है, इस पेज को लगा दिया है। अब मैं इसको इसके ऊपर चिपकाऊंगी एकदम ऐसे ही, मैं इसको इसके ऊपर चिपका दूंगी। मैं इसके लिए ग्लू गम का मदद ले रही हूँ, ग्लू गम से मैं इसे पूरा लगा दूंगी। मैं इसके ऊपर ऐसे इसको चिपका दूंगी, जैसे आप देख रहे हैं मैंने इसको पूरा इस पे चिपका दिया है। मैं जो इस चांद को बनाया है उसको भी मैं ऐसे ही इसको चिपका दूंगी। तो मैंने इसको भी इस पे चिपका दिया है, जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने चांद को भी इसके ऊपर चिपका दिया है। तो मैंने ऐसे इसको स्टैंड कर लिया है। अब इस पे मैं मोती लगाऊंगी। मैंने एक ऐसी शीशी ली है, इसको मैं कट करूंगी यहाँ से। मैंने इसे कट कर लिया है ऐसे। अब मैं इसे पेंट करूंगी। मैं इसके लिए रेड पेंट का यूज करूंगी। मैं ये व्हाइट कलर का फ्लावर चिपका रही हूँ इस पे, तो मैं इस पे यहाँ पे लगाऊंगी और इसको मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। मैंने इसे पेंट कर लिया है। मैं इसके लिए यहाँ पे इसका यूज कर रही हूँ। आपके पास कोई किसी तरह का हो लटकन लगाने के तो आप लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे इतने सारे मोतियाँ लिए हैं, मैं इसे इसके ऊपर चिपका दूंगी ऐसे एकदम हाफ हाफ करके। इस पे यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। मैंने इसे लगा दिया है। अब मैं इसको यहाँ पे इसको इसे लटका दूंगी। तो मैंने इसे पेस्ट कर दिया है ऐसे। मैं यहाँ व्हाइट मोती का यूज कर रही हूँ। मैं इसे यहाँ लाइन से ऐसे लगाऊंगी। मैं ग्लू गम की मदद से इसको यहाँ पे लगा रही हूँ। सुंदर लग रहा है देखने में ये। मैंने इसे पूरा लगा दिया है। मैं यहाँ पे बहुत सारे मोती लिए हैं, इन सब मोतियों को मैं एक एक करके इस पे लगाऊंगी लाइन से। इस पे मैं एक एक करके लगाऊंगी।
ऐसे ही मैं सारे मोतियों को लगा दूंगी। मैं यहाँ पे इस तरह का स्टार ली हूँ, मैं इसे यहाँ लाइन से लगाऊंगी ताकि ये काफी खूबसूरत दिखे। मैं यहाँ पे इसे लगा रही हूँ। फाइनली गाइज ये हमारा बन गया है, ये रेडी हो गया है, काफी खूबसूरत लग रहा है। गाइज मैंने इसको बना दिया, ये काफी सुंदर लग रहा है, आप इसे किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय बाय गाइज। Thank you.